राजधानी जयपुर के रामगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवनिर्मित भवन का शिलान्यास किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हज कमेटी के चेयरमैन और किशन पोल विधायक अमीन काजमी ने लोकार्पण किया। विधायक अमीन काजमी ने कहा कि राजस्थान में स्वास्थ्य को लेकर गहलोत सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया है और रामगंज शहर को, जो कि जयपुर का दिल है, कोरोना को हम सब लोगों ने फेस किया है। अब रामगंज अपनी बेहतर स्वास्थ्य सेवा को लेकर पहचान बनाएगा। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य हॉस्पिटल वार्ड 65 में आता है, जिसके पार्षद मोहम्मद जकरिया शेरम हैं। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी महासचिव शेख हाजी निजामुद्दीन ने कहा कि रामगंज वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है, अब यहां भी 50 बेड वाला हॉस्पिटल होगा और इसमें विधायक अमीन काजमी जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो हमेशा जनता के लिए तत्पर रहते हैं। वहीं पार्षद 65 मोहम्मद जकरिया शेरम ने कहा कि ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे वार्ड वासियों की सेवा करने का मौका मिल रहा है और अब रामगंज स्वास्थ्य केंद्र में 50 बेड की सुविधा के साथ बेहतर सेवाएं मिलेंगी और मैं हमेशा अपने वार्ड के प्रति आगे भी इसी तरीके से लगातार काम करता रहूंगा। देखिए, मेरे क्षेत्र के अंदर दो चीज़ें थी, एक नारवाड़ा स्कूल था और एक जच्चा खाना हॉस्पिटल था। मैंने पार्षद बनने का विधायक साहब से रिक्वेस्ट की कि विधायक साहब से कहा कि साहब शिक्षा और चिकित्सा दोनों क्षेत्र अगर मजबूत होंगे तो क्षेत्र मजबूत होगा। मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में हमने यहाँ पर डिमांड रखी MLA साहब से कि जो हमारा जच्चा खाना हॉस्पिटल है इसमें आप सुविधाएँ प्रोवाइड कराएँ, इसकी बिल्डिंग बनाएँ। तो MLA साहब ने मेरी एक ख्वाहिश के ऊपर इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया, यहाँ पर आज सेटेलाइट हॉस्पिटल संचालित है। नारवाड़ा स्कूल में भी मैं विधायक निधि से 2 करोड़ रुपये लेके आया, उसका जल्दी काम शुरू होने जा रहा है। तो हम तो विधायक साहब से जो मांग रहे हैं विधायक साहब हमें दे रहे हैं और आज तक इस क्षेत्र का विकास पिछड़ा हुआ था, लेकिन जब से हम इनका साहब आए हम उनसे जैसे चाह रहे हैं वैसे काम ले रहे हैं और आगे भी भविष्य में ऐसे ही काम कराते रहेंगे। 150-200 की OPD थी और जब से सेटेलाइट के डॉक्टर्स यहाँ आकर के बैठने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तब से हमारी OPD बढ़कर के 700 के आसपास पहुंच चुकी है और ये हमारे लिए फख्र की बात है और इनकी मेहनतों की जो है वो नतीजे है, जो इस तरीके से ये तादाद बढ़ रही है और अल्लाह ने इनको कामयाब किया, हमें कामयाब किया। इस एरिए के लिए ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, एक मैसेज है जो इन्होंने हमें दिया है। देखिए, ये रामगंज जच्चा खाना जो हॉस्पिटल है वो तकरीबन 50 साल पुराना है और शायद इससे ज़्यादा ही ज़्यादा, लेकिन पिछले गुलिस्ता सालों में इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण काम बिल्डिंग को लेकर नहीं हुआ। पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग जहाँ बनी हुई थी उसके पीछे जो जगह खाली पड़ी हुई थी उसमें जब मैं विधायक बना तो यहाँ के लोगों की एक ये डिमांड थी कि पुरानी बिल्डिंग में माकूल व्यवस्था नहीं है। हमने यहाँ पर ये 2 मंजिल की एक नई बिल्डिंग बनाई है जिसमें सारे डॉक्टर्स अभी बैठ रहे हैं और जैसा कि आप सब लोगों को ध्यान है कि सैटेलाइट हॉस्पिटल की जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में की थी उसके सारे डॉक्टर्स और सारी फैकल्टी यहाँ अभी इस नई बिल्डिंग में बैठ रही है। इससे पहले जो हॉस्पिटल यहाँ जच्चा खाना चलता था उसकी OPD 150 से 200 से ज़्यादा कभी रही नहीं, लेकिन यहाँ सुविधाओं का अभाव था, बिल्डिंग नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे, नर्सिंग स्टाफ नहीं था, दवाइयाँ नहीं थी। तो हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी घोषणा कराई और बजट के बाद में सारे डॉक्टर्स यहाँ बैठने लगे, इसकी OPD 150-200 से बढ़ाकर 500 से 700 के करीब OPD हो गई है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये भी यहाँ आप लोगों को सबको अवगत करा देना चाहता हूँ कि जो बजट घोषणा हमारी हुई थी सैटेलाइट हॉस्पिटल की, उसके लिए 20 करोड़ रुपए की सैंक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है और निकट भविष्य में जो ये 4000 मीटर ज़मीन भी हमारे को इसकी मिल गई है और वो हॉस्पिटल का मुकम्मल बिल्डिंग तकरीबन 20 करोड़ से जो बनेगी उसकी संगी बुनियाद भी हम जल्दी ही रखने जा रहे हैं। तो
मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हम इस टेन्योर में कर पाए, आप सब लोगों को पता है कि ये रामगंज मॉडल और रामगंज में जिस तरीके का कोरोना का प्रकोप था, हम सब ने आप सब ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा और हम इसमें जीते। पूरे हिंदुस्तान में रामगंज को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन हमने उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें जो चाहे चिकित्सा क्षेत्र को लेकर थी वो हमने करी। मैं आपको यहाँ भी एक बात और अवगत करा देना चाहता हूँ कि आज सब लोग यहाँ क्षेत्र के मौजूद लोग भी हैं, चैनल के साथी भी हैं, मीडिया के लोग हैं। 2,91,00,000 रुपए से मोती कटला जो हॉस्पिटल है उसके अंदर भी हम नई बिल्डिंग जल्दी ही शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें 3 मंजिल की बिल्डिंग होगी।